नमस्कार, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हम लोग ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं। उसका एक रीज़न है, जो भी अभी रेलवे हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके ऊपर पूरे देश में एक नेगेटिव सा वातावरण बन गया है। तो उसके ऊपर अभी रेलवे ये क्यों कर रहा है, ये स्टूडेंट के साथ क्या नॉनसेंस हो रहे हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो रेलवे ग्रुप डी, इसके रिगार्डिंग रेलवे ने उनके ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन निकाला है। जो पहला रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने चेंज कर दिया है, और उसके वजह से क्या हुआ है, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ, बहुत बड़ा क्या हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। मतलब पहले तो RRB ने NTPC के रिगार्डिंग जो रिजल्ट आने वाला था उस रिजल्ट में भी बहुत बड़ा स्कैम किया। उन्होंने रिजल्ट अच्छी तरह से दिया नहीं, लगभग 3.5 लाख बच्चों को उन्होंने 3.5 लाख बच्चों को उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कराया है। मतलब उन्होंने 20 गुना बच्चों को लेना था तो उन्होंने सिर्फ 11 गुना बच्चों को ले लिया है। तो पहले NTPC में तो उन्होंने पहला ये स्कैम बड़ा कर दिया, उसके अगेंस्ट ट्विटर पे कैंपेन चल गया, उसके बाद अभी लाइव प्रोटेस्ट भी चल रहा है कई कई जगहों पर। तो ये NTPC का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं किया, लेकिन जो बच्चों अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, लगभग 3 साल हो गए उसके बाद उन्होंने अभी ये वैकेंसी निकाली है, तो वो एग्ज़ाम अभी 3 साल के बाद ले रहे हैं। तो अभी उन्होंने उसमें क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो क्या चेंज कर दिया उसके बारे में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, तो उसके बारे में हम लोग, अब क्या नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें क्या धोखा दिया है ग्रुप डी के बच्चों को, उन्होंने क्या किया है, तो CBT 2 उन्होंने उसमें लागू कर दिया है। मतलब जो बच्चा अभी 10वीं के बाद एग्ज़ाम देने वाले ग्रुप डी का, उनको अभी क्या होगा, CBT 1 भी देना पड़ेगा, CBT 2 भी देना पड़ेगा, और उसके बाद उनका PET होगा, उसके बाद उनका मेडिकल होगा, और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो एग्ज़ाम, उनको पूरा प्रोसेस होके उनको वो पोस्ट मिलेगी। मतलब जो बच्चा 10वीं के बाद एग्ज़ाम देने वाला है उनका पोस्ट है ग्रुप डी का, और उनको CBT 1, CBT 2, PET, मेडिकल, मतलब हर तरह के स्टेप से उसको गुजर के जाना पड़ेगा। और इसी तरह से रेलवे ने हर तरह के एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ कर रही है। तो ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है, बहुत बड़ा धोखा है। उसके बारे में अगर आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहे तो इसका परिणाम आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बाकी ट्विटर कैंपेन चल रहा है, उसको और तेज़ करके सरकार को जगाना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, अभी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने क्या चेंज किया है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखो, नोटिफिकेशन में जो चेंज किया है उसका नोटिस हमने लिया है अभी यहाँ पे। तो देखो उसमें क्या है, अमेंडमेंट नंबर 3 करके उन्होंने दिया है, उसमें क्या लिखा है, RRC Level 1 पोस्ट। उसमें उन्होंने अभी देखो पूरा डिटेल क्या क्या दिया है। तो देखो, एग्ज़ाम शेड्यूल्ड फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। ये बहुत बड़ा धोखा है बच्चों के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा है। मतलब पहले आप लोग 1 लाख जगह पे वैकेंसी निकालते हो, और उसके बाद आप बोलते हो कि आपका सिर्फ CBT 1 होगा, और उसके बाद 2-3 साल के बाद आप एग्ज़ाम लेने वाले हो, और उसके बाद आप कहते हो कि अभी CBT 1 नहीं तो CBT 2 भी होगा। तो ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, इसके खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। देखो और क्या कहा है उसमें, विथ रेफरेंस टू डिटेल सेंट्रलाइज नंबर RRC 01/2019, उसमें क्या है, इन द व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, रेलवे हैज डिसाइड टू कंडक्ट 2-स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2। 2-स्टेज मतलब CBT 1 एंड CBT 2 वो अभी लेने वाले है। और उन्होंने अभी डिटेल में दे दिया देखो कि CBT 1 कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो CBT 1 स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd February 2022 से आपका CBT 1 स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी CBT 1 एग्ज़ाम फेबरवरी में चालू हो जाएगा, तो वो कंडक्ट करते करते लगभग 6 महीना हो जाएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद CBT 2 हो जाएगा, और उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस होने के बाद वो लगभग 2024 तक आपका वो आपको ज्वाइनिंग दे रही है। मतलब आपका पूरा टाइम तो वेस्ट ही कर रहे हैं, और बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो उसमें देखो CBT 2 में कैसा है, सिलेबस भी दे दिया उन्होंने। देखो सिलेबस में क्या है, उन्होंने दिया कि सिलेबस क्या है, 10 स्टैंडर्ड है, उसमें जैसा CBT 1 का था वैसा ही उसका सिलेबस है। और उसमें क्या है, उन्होंने 120 क्वेश्चन दिए, और उनको 90 मिनट्स में उनको आपको सॉल्व करना है। उसमें जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क को रहेगा। और उन्होंने अभी आगे क्या दिया है, देखो उन्होंने दिया है कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर CBT 2, CBT 2 के लिए वो क्या करेंगे, 15 टाइम, मतलब 1 लाख वैकेंसी है आपका, तो वो 15 लाख बच्चों को अभी CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने और एक चेंज कर दिया है उन्होंने इसमें,
और उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट एक और चेंज कर दिया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्वालिफाई हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वन पोस्ट के लिए सिर्फ वन ही कैंडिडेट वो क्वालिफाई करेंगे। मतलब बच्चों अभी किसी बच्चों के पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा, वो किसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिसक्वालीफाई हो जाएगा तो उसकी पोस्ट तो खाली ही जाएगी। मतलब उन्होंने जो पोस्ट खाली रखना ही रखना है, उन्होंने पूरा पोस्ट उनको फिल नहीं करना का, ताकि आने वाले इलेक्शन के टाइम में वो दिखा सके हम लोग इतने वैकेंसी फिल करें और अभी आगे हम लोग इतने वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके खिलाफ सभी को एक साथ होके अभी कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा, ताकि ये सरकार जाग जाएगी और उन्होंने इसको चेंज करना ही पड़ेगा, ताकि ओनली हम लोग CBT 1 ही देंगे। उसके बाद CBT 2 उन्होंने जो रखा है अभी उसको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो NTPC के बारे में हुआ है तो NTPC का रिजल्ट भी उन्होंने रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसके लिए कुछ तो बड़ा अभी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्विटर के ऊपर कैंपेन चल रहा है, तो सभी बच्चों को उसमें साथ देना है। तो देखो बच्चों आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपके साथ जो अभी धोखा हुआ है उस धोखे के खिलाफ अभी सब युवाओं को एक साथ होके उसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, ये जो रेलवे ने नया नोटिफिकेशन निकाला है उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बाकी बच्चों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।